ये भी पता चला है कि ये जिया की मम्मी पापा जो है पहुंच चुके हैं और जिया का भाई भी आ रहा है साथ में। बाबू के जो है नाना नानी आ चुके हैं जगह भी हुआ है। कब जगह है ये? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं 3:40, मतलब 4 बजने में अभी है 20 मिनट और हमारा बाबू जो है लगभग 12 बजे सोया था और अभी तक उठा नहीं है, मजे में सो रहा है। तो अब जो है इसको जा करके उठाना है, थोड़ा खाना पीना खिलाना है और दादा दादी के पास भी उसको भेजना है क्योंकि दादा दादी जो है सही बात है। और इसके दादा दादी भी जो है इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही शाम का 4 बज जाता है फोन भी आ जाता है कि कहाँ है क्रियांश, तो क्रियांश को लेकर के जाना भी है। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे जी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जी। होता क्या है, देखते हैं कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब लाइट को कर दिए जी ऑन और अब इसको जगाना है। बस अब रोना दे, वही बात है, नींद से जैसे जगता है तो रोने लगता है। क्रियांश क्रियांश उठ जाओ क्रियांश, बहुत ही गहरी निद्रा में है सेठ साहब। सेठ साहब अब उठ जाइए। राधे राधे। उठो पार्थ, उठ जाओ पार्थ। वाह, एक बार तो आँख खोला है और अभी रोना स्टार्ट कर देगा। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं। इसको तो यार भूख लग गया होगा, भोजन दे दो। ठीक है, हम चलते हैं बाहर। पापा मेरी नींद खुल गई है। जल्दी से इसको भूख लग गई, भोजन पानी करके एकदम सो रहे हैं। आपका मसाज होना है अभी, मालिश भी करवाना है सेठ जी। अरे शरीर आपका एकदम तंदुरुस्त रहेगा सेठ साहब, है ना? तो जल्दी से आप मालिश करवाइए, उसके बाद लेकर के चलते हैं आपको दादा दादी के पास। बउआ का मालिश चल रहा है, मालिश चल रहा है बउआ का। सर उठा उठा करके देखता है इधर उधर, पूरा मुआयना करता है बउआ, है ना? पूरा मुआयना। बाबू है, बाबू मालिश करवा रहा है, बाबू मालिश करवा रहा है। जिया लाई है मखाना फ्राई करके, उसमें से एक मेरा है और बाकी जो है मम्मी पापा का है, तो उन लोग को नीचे जा करके दे आते हैं। तो सभी लोग उठ चुके हैं जी, तो बाबू भी उठ चुका है और बाबू अभी देख रहा है कि देख सकते हैं तो बाबा को देख रहा है। नजर हटता नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पर बंदर भाषे है, पता नहीं कहाँ से आए हमारे एरिया में, आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा है। इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, हम सोच रहे थे क्यों भौंक रहे हैं सभी। कहाँ से बंदर वहाँ से यहाँ पर आए हैं जी, कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कोई पाल रखे हो, उनके यहाँ से भाग गया हो, या कोई मदारी लेकर के घूम रहा हो, या उसका भाग गया हो, कोई ठीक नहीं है। और वहाँ आगे भाग चुका है, बाकी देखते हैं किधर जाता है वो। तो बाबू का हो गया जी नहीं नहीं, तो बाबू को जो है आजकल थोड़ा सा मजा आ रहा है, नजर ना लगे, वरना नहाने में पहले रोता बहुत था, लेकिन आजकल जो है नजर लगाइएगा। नहीं नहीं कोई नजर ना लगेगा मेरे बाबू को। तो बाबू जो है आजकल मजे में बैठ करके जो है नहाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही इसको ड्रेस पहनाया जाने लगा उस समय मामला हो गया गड़बड़, तो बहुत जोर से रोने लगा। तो दादी उठा करके इसको लाई है बाहर, तब चल करके ये थोड़ा चुप हुआ है। वैसे दादी को देख के थोड़ा ज्यादा करता भी है नौटंकी। किलकी बैठी, चलो पंखा में। तो बउआ चला गया है दादी के पास और दादी जो है खाना लगा चुकी है, तो अब जो हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारी तो पेट पूजा हो गई जी, अभी खा रहा है भाई खाना, तो हम चल रहे हैं बाहर। जा रहे हैं जी पड़ोस के एक भैया के पास, उनके यहाँ जो है जियो फाइबर का कनेक्शन लग रहा है, जिससे कि मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ जियो फाइबर इधर आ चुका है, क्योंकि ऐप में जब मैं देख रहा था तो हमारे शहर में तो अभी तक नहीं आया हुआ था जियो फाइबर, और अचानक से इस तरह से आ गया। पता नहीं, देखते हैं सच में आया है कि बस कोई फर्जी है। चाहे भाई साहब बाहर तो हो रही है बारिश, तो जल्दी से चले हैं, भीग ना जाए। हमने आकर के पता किया और सही में जियो फाइबर का कनेक्शन यहाँ पर आ चुका है, और भाई साहब जो है वहीं से है जियो फाइबर से, घर चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या सेटअप होता है नहीं होता है, और कनेक्शन तो अब लगवा ही लेना है। तो यहाँ पर जी भाई साहब आ गए हैं, हम तो कनेक्शन ले रहे हैं, उसी का जो भी फॉर्मेलिटी होता है वह सब पूरा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कटिहार के और भी लोग सब चाहते होंगे जियो फाइबर के बारे में, और हम लोग ऐप में देखते हैं तो वहाँ मिलता है नहीं, वहाँ पर कहता है कि कमिंग सून, तो लेकिन जियो फाइबर आ गया है, कन्फर्म हो गया आपसे, तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कटिहार में।
जी, तो अगर वो लगवाना चाहेंगे तो क्या करना होगा? सर देखिए, अगर आपको देखिए आज के डेट में देखा जाए तो हर घर में हमको लगता है जियो फाइबर का जरूरत तो है, बिल्कुल हर घर में जरूरत है और हर लोगों को लगाना चाहिए और बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, टीवी का यूज कर पाते हैं, लैंडलाइन का कनेक्शन हमको मिलता है। तो ये सारा बेनिफिट हमको लेने के लिए आज हम डिफरेंट प्लान में तरीके तरीके से हमको रिचार्ज करना पड़ रहा है, कॉलिंग के लिए अलग, टीवी के लिए अलग, इंटरनेट के लिए अलग। तो अगर आप जियो फाइबर को देखते हैं, मान लीजिए कि आपको सारा फंक्शन एक ही चीज में मिल जाता है, एक ही रिचार्ज आप करिए और आप सब कुछ यूज कर पाते हैं। जितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी मिल गया आपको 14 से ज्यादा, 550 से ज्यादा चैनल है, एचडी चैनल्स भी है, तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है और आज के में हर घर में इसका जरूरत है। तो कटिहार में तो अभी लाइव हो गया है, अगर किन्हीं को भी जियो फाइबर का कनेक्शन चाहिए होगा तो मेरा नाम मनीष सिंह है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा 9142263759। जियो फाइबर के कनेक्शन के लिए तो सारी फॉर्मेलिटी हो गई थी और हमारा बाबू देख रहे हैं, जैसे ही ऊपर आए तो देख रहे हैं कि बाबू फिर से जग गया है। हम जगह आधार कार्ड उसको चाहिए था, हमको ध्यान नहीं था कि बगल में सोया है, तो बाबू उठ गया वरना सो जाता था दिन में अच्छे से। सुला दो सो जाएगा। और बाकी आज यहाँ के मम्मी पापा भी आने वाले हैं, बस किसी की बात है समझी और समझी का स्वागत है। और आप लोग जाए आराम कीजिए, महादेव की दया होगी तो फिर मिलेंगे। ये भी पता चला है कि जिया के मम्मी पापा जो है पहुंच चुके हैं और जिया का भाई भी आ रहा है साथ में, तो ऐसा करते हैं जल्दी से जाते हैं उन सभी को लेकर के आ जाते हैं। आ गए हैं जी यहाँ पर मोलो के, यहाँ जिया के मम्मी पापा यहीं पर रुके हुए हैं, तो गाड़ी जो है बाहर थोड़ा निकाल लिया है, तो सभी अंदर चलेंगे। और बाहर जो है बारिश भी हो रही है, सोच रहे थे कि गाड़ी धुलना है तो लग रहा है बारिश में से ही गाड़ी धुल जाएगी, लेकिन रास्ते में जब चलेंगे तो कीचड़ भी अच्छा खासा लगेगा। तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब सीधा निकलते हैं घर की तरफ। बारिश भी हो रही है काफी तेज, लेकिन अभी तेज नहीं हो रही है, कुछ देर पहले हो रही थी तेज, लेकिन मोलू थोड़ा भींग गया गेट सब खोलने में। बाबू के जो है नाना नानी आ चुके हैं। जगह भी हुआ है, कब जगह है? अभी जगह नीचे आने का समय हो गया। अच्छा, दादी बाबा 4 बजे ये हमेशा आ जाता है अपने समय को। यहाँ पे हो रही है बहुत ज्यादा बारिश और इधर देख सकते हैं आप सारी गाय का वर्षा से बचने के लिए यहाँ पे खड़ी है। बाबू यहाँ खेल रहा है नानी माँ के साथ, खूब मजा आ रहा है तुमको ए लड़का। ये तो एकदम ध्यान इसका उधर ही है। मजा आ रहा है तुमको बुल्की? अब बुल्की यहाँ पर भी आया हुआ है जिया के घर से मिठाई, देख सकते हैं हमारा मन पसंदीदा रसगुल्ला। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं जी और क्रियांश के साथ खेला जा रहा है। इसका मालिश हुआ शाम का? अच्छा नहीं हुआ है। इसका मालिश होना है। तो फिर यहाँ जी सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर मजाक मस्ती सब कुछ चल रहा है और एक अलग ही माहौल है। तो ऐसा करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोग भी बोलो लाइक करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर बिल्कुल करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।